देखिए, मुसीबत के समय भगवान के अलावा और कोई सहारा नहीं होता है। वर्तमान समय जो चल रहा है, उस समय में आप अपने घर में हवन कर सकते हैं। हवन कैसे करना है वो विधि हम आपको बता रहे हैं, और आप हमारे द्वारा वीडियो कॉलिंग पर, जैसा कि अभी हम लोगों के साथ कर रहे हैं, हम वीडियो कॉलिंग पर श्री घंटाकर्ण महावीर के मंत्रों से, श्री घंटाकर्ण महावीर के जिस तरह से हम मंत्र हीलिंग करते हैं, उसी तरह से मंत्रों से अच्छे स्वास्थ्य के लिए और रक्षा सुरक्षा के लिए हवन करवा रहे हैं। तो आप भी चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और इसी तरह से वीडियो कॉलिंग पर हम आपका हवन करवाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप एक कोई चौकी या पटा जो होता है हमारे घर में वो लगाइए आप। उसके बाद एक हवन कुंड रखिए। हवन कुंड आपका मिट्टी का भी हो सकता है, या आपके घर में तांबे का हो, पीतल का हो, उस तरीके का हवन कुंड भी आप यूज कर सकते हैं। अब इस हवन कुंड के अंदर आपको लकड़ियों को प्रयोग करना है, कपूर का प्रयोग करना है, घी का उपयोग करना है। तो लकड़ियाँ, आम की लकड़ी सर्वथा अच्छी होती है। अब इस समय पर यदि आम की लकड़ी नहीं मिल रही है आपको, तो कोई और दूसरी लकड़ी का प्रयोग करें और उसको इस तरह से जमाएं। मैं जैसे आप देखिए, आपको बता रहा हूँ कि आप लकड़ी को जब इस तरह से जमाएंगे तो धुआं भी कम होगा और हवन में अग्नि अच्छी होती है। तो आप इस तरह से लकड़ी को रखते जाएं, और इसके साथ में फिर हमको घी डालना रहेगा, कपूर लगाना रहेगा, जिससे कि अग्नि अच्छे से जले और जो हमें मंत्र आहुति देना है वो मंत्र आहुति दें। इसके बाद में आपको ये देखना है कि आपको हवन सामग्री भी चाहिए। तो अब हवन सामग्री नॉर्मली हर घर में होती है, कपूर, घी, ये सब चीज़ें अधिकतर घरों में होती हैं जहाँ पर पूजा होती है। तो आप या उसकी व्यवस्था करें हवन सामग्री की। हवन सामग्री पिसी हुई हो तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं हो, खड़ी हवन सामग्री भी हो तो वो भी चलेगा। तो जब हम हवन करवाएंगे आपको, तो उस हवन के दौरान आपको मंत्र नहीं बोलना है, आपको सिर्फ सुहा बोलना है। बाकी मंत्र हवन हम बोलेंगे और आप सुहा बोलेंगे, और सुहा के साथ आहुति अर्पित करेंगे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस तरह से हमने लकड़ी जमा दी है, ये आपने देख लिया होगा। अब इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा घी डालेंगे, उसके बाद हम इसमें कपूर लगाएंगे। इस तरह से आपने थोड़ा सा घी डाल दिया इसके अंदर। अच्छा और प्योर घी जो होता है हमारे घर में जो यूज होता है, वही वाला घी का आप उपयोग कर सकते हैं। इस हवन को करने में कोई 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, लेकिन ये आपके घर परिवार के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए रहेगा, रक्षा सुरक्षा के लिए रहेगा। घर परिवार के सभी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि किसी एक ही व्यक्ति को बैठना है। जो भी और कोई व्यक्ति बैठना चाहे वो भी हवन में बैठ सकता है, और फिर हमको वीडियो कॉल आप कर सकते हैं। तो वीडियो कॉल पर हम आपको और थोड़ा सा प्रोसीजर बताते जाएंगे। इस तरह से आपने इसके अंदर कपूर लगा दिया, कपूर थोड़ा सा ज्यादा रहता है तो बेहतर होता है, कि जिससे लकड़ियां जल्दी अग्नि पकड़ पाती हैं। ये ध्यान रखें कि आपको अच्छे वस्त्र पहन के बैठना है। कुर्ता पजामा आपके पास होता है, महिलाएं यदि बैठ रही हैं तो साड़ी पहनकर बैठेंगी, और आप बैठकर अपने घर में पूर्व दिशा की तरफ मुंह रखना है। आपको ध्यान रखें, ईस्ट की तरफ आपको अपना मुंह रखना है, और उस तरह और परिवार के साथ अच्छे कपड़े पहनकर, नहा धोकर, शुद्ध होकर आप हवन करने बैठें। अब ये देखिए, हमने पूरा इसमें कपूर डाल दिया है, घी डाल दिया है, लकड़ी पर लगा दी है। ये हमारी हवन सामग्री है, इस तरीके की हवन सामग्री जो पिसी हुई भी होती है। आपके पास खड़ी हो तो खड़ी वाली हवन सामग्री भी आप उपयोग कर सकते हैं। नहा धोकर, शुद्ध होकर, अच्छे साफ सुथरे वस्त्र पहनकर आप बैठे हवन करने, प्रभु से प्रार्थना करें कि वो आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, देश से इस तरीके की जो भी महामारी बीमारियां हैं वो दूर हों, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, सुरक्षित रहें। तो अब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं। मैं एक बार आपको आहुति करके भी बताऊंगा किस तरह से फिर आपको आहुति करना रहेगी। तो हमने इसके अंदर लकड़ियां लगा ली, घी डाल दिया, कपूर डाल दिए, ये लगभग सभी के घर में सब इस तरीके की चीजें मिल जाती हैं। अब इसके बाद हमको इसमें मंत्रों के साथ में हवन आहुति देंगे। ध्यान रखें, आपको मंत्र नहीं बोलना है। जब मैं आपको हवन करवाऊंगा तो आप मेरे साथ चाहें तो मंत्र बोल सकते हैं, अदरवाइज यदि आप नहीं बोल पाए तो सिर्फ सुहा बोलिए, क्योंकि मंत्र की शुद्धता बहुत आवश्यक होती है। इस तरह से हमने हवन सामग्री को अपने हाथ में लिया, इस तरह से आपको हवन सामग्री हाथ में लेना है, और इस तरह से ऐसे ओम ह्रीम श्रीम घंटाकर्ण नमोस्तुते ओम ठा 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 स्वाहा, इस तरह से हम आहुति देंगे। इस संबंध में यदि आप हवन करना चाहते हैं अपने स्वास्थ्य, अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए, तो आप हमसे संपर्क करें। हम वीडियो कॉलिंग पर और भी एक बार आपको समझाकर और इस तरह से ही हवन करवा सकते हैं।